श्री पंचमी के लिए कुछ ये पकवान हम लोग बनाते हैं। तो ये देखिए, तो थोड़ी खीर, पूरी और पकौड़े और आलू, ये मेरे भाई ने बनाए हैं। हाँ, हेलो फिगड़ियो, आप सभी को मेरा प्यार भरा पहला छोटू को ढेर सारा प्यार। मेरा नाम है पूनम डोभाल और मैं देवभूमि उत्तराखंड की रहने वाली हूँ। तो कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना ढेर सारा ध्यान रख रहे होंगे। सबसे पहले आपको श्री पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। और श्री पंचमी को अनेक नामों से जाना जाता है, जैसे वसंत पंचमी, माघ पंचमी और इत्यादि नामों से भी जानते हैं। मैं भी नहा धो के छत में आ गई हूँ और छत में आने के बाद मैंने पहले पूजा की, नहाया और अब मैं यहाँ पे आई हुई हूँ छत में और काफ़ी अच्छी धूप लग रही है। और ये त्यौहार एक खुशहाली का, हरियाली का प्रतीक होता है और आज से ही शीत ऋतु की समाप्ति और वसंत का आगमन आज से ही होता है। और ये त्यौहार हरियाली का प्रतीक होता है और तो गांव घरों में काफ़ी पीले पीले फूल और हरियाली छाई हुई है। तो इसी दिन को माँ सरस्वती का दिन भी कहा जाता है और माँ सरस्वती की खूब पूजा आराधना भी की जाती है। तो माँ सरस्वती की भी आप सब में अपार कृपा हो। तो सबसे पहले थोड़ा मौसम दिखाती हूँ आपको। तो मौसम काफ़ी अच्छा हो रहा है, धूप खिली हुई है, लोगों ने कपड़े वपड़े डाल रखे हैं खूब मात्रा में। ये रहा, ये देखिए, और काफ़ी ज़्यादा हवा भी चल रही है। तो इस त्यौहार को हमारे गांव घरों में कैसे मनाते हैं पता? हमारे गांव घरों में एक जौ के पौधे से इस त्यौहार को मनाते हैं। सबसे पहले वो जौ का जो पौधा होता है वो देवताओं को चढ़ता है और हम फिर इंसानों को चढ़ता है, फिर अपने आसपास के लोगों को भी, आसपास में जाते हैं, बच्चों को, अपनी बेटियों को, बेटू को, सबको चढ़ता है। उसके बाद लास्ट में ये जो होता है हमारे दिल्ली पे भी चढ़ता है और जानवरों को भी चढ़ता है। तो एक आशीर्वाद होता है, मान्यताएं हैं। तो इस त्यौहार को एक जौ के पौधे से मनाया जाता है पहाड़ों में, क्योंकि वो एक हरियाली का प्रतीक है। तो लोग काफ़ी लोग मंदिर मंदिर जा रहे हैं, मैं तो मंदिर नहीं जा रही हूँ क्योंकि मेरा कल को पेपर है और खूब सारा पढ़ना भी है, तो आज मैं कहीं नहीं जा रही हूँ। तो आप लोग भी अपना ध्यान रखो और अब पढ़ाई शुरू करती हूँ और आज छुट्टी है हमारी, कल को, आजकल मेरे पेपर चल रहे हैं तो पेपर भी है तो पढ़ना है। तो आज का व्लॉग छोटा सा था, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर देना और हमारे व्लॉग को जरूर, अगर और भी अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में जरूर शेयर कर देना। बाय।